तो आप अपने आपको क्या कहते थे किस, क्या दो तीन चीजें जहन में आती थी जो आपको लगता है कि आजकल की जनरेशन नहीं करती आप उनको कहना चाहेंगे कि करना चाहिए ताकि ये पैच निकल जाए और फिर चीजें क्योंकि पैच ना जाते ना किसी किसी को करना पड़ेगा okay, हाँ, आपको यानी कि बहुत ज्यादा बहस में मुलिस होने की जरूरत नहीं है जब आप एक पॉइंट को समझते हैं और अगर आप जानते हैं अगर आप ये भी जानते हैं कि आप राइट राइट है फॉर द टाइम बीइंग इसको सिचुएशन को अगर आप रिलैक्स करना चाहते हैं अगर आप इस रिलेशनशिप को और इस सिचुएशन को रिलैक्स नहीं करना चाहते तो फिर तो देर इज नो एंड इट यू कैन डू एनी यू कैन वॉक आउट डिवोर्स यू कैन गेट सेन हेट इचर फॉर द रेस्ट ऑफ याइफ एंड येट लिव एज हजबेंड एंड वाइफ यू नो बिकॉज बच्चे हैं Yeah. मामा खाला माई जो मैंने पहले आपसे जिक्र जी किया कि दो खानदान इन्वॉल्व हुए होते हैं सारे रिलेशनशिप में तो वो सारा सामने आ जाता है आपके सो आई पर्सनली फील के इंसान दो इंसान ये हो ही नहीं सकता कि वो आपस में डिसग्री ना करें और डिसग्री का मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे के दुश्मन हैं डिसग्रीमेंट का यह मतलब भी नहीं है कि आप एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते यू नो हर इंसान की एक इंडिविजुअलिटी है और अगर आप उस इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट नहीं करते तो फिर आपको शुरू से ही इस रिलेशनशिप में जिसको हम मैरिज कहते हैं जाना नहीं चाहिए यह आपने बड़ी जबरदस्त बात you know, आप फिर ठीक है बाहर यूरोप वगैरह में लोग इकट्ठे रहते हैं ज़रूरी नहीं है कि नक किया जाए उनका अपने माशरे में ये कंडीशन है ठीक है जी टेस्ट करते हैं एक दूसरे को नहीं टेस्ट ठीक हुआ तो वो फिर कहीं और चले गई वो कहीं और चला गया हमारा ये नहीं है क्या लव फ्रेंडशिप में तब्दील हो गया ओवर द टाइम ऑफ़ कोर्स जाता है वी अप टुगेदर दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू यू नो हमारी पहली बच्ची 12 साल बाद नहीं आपको नहीं बॉडर करती थी आसपास की बातें बिकॉज जितना मैं आपको समझ चुकी हूँ मुझे नहीं लगता था डैट वॉज दैट आपको इतना बॉडर करता होगा या आपने उसको कोई इशू बनाया होगा आप दोनों मुझे माशाल्लाह से उस वक्त अपने टाइम से बहुत अहेड लगते हैं यू नो एट दैट पॉइंट इन टाइम आपका बैकग्राउंड आपकी एजुकेशन आपकी थिंकिंग वॉज अहेड ऑफ़ द टाइम जिसमें आप लोग उस वक्त थे देखिए अहेड ऑफ टाइम तो थे लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि आप एक और माशरे के इंसान हो चुके हैं इसीलिए मैं पूछूं you know, कि हमारी अपनी ट्रेडिशन हमारी अपनी रवायात हमारी खानदानी आई एम uh, हमें बार बार ये कहा गया कि बेटे झूठ नहीं बोलना बेटे किसी को दुख नहीं देना नहीं। आप बुजुर्गों की औलाद हो यू नो आपको ये शेवा नहीं देता आप बुजुर्गों की आपके बुजुर्ग ऐसे थे आपके

जो एजुकेशन है वो आपको बड़ा एक आ, क्या कहूँ आपको परखने का ज़िंदगी गुजारने का सलीका देती बारे है।, बारे है लेकिन आज के दौर में हम बड़े बड़े पढ़े लिखे जाहलों को देखते हैं जिन्होंने पीएचडी किया होता है लेकिन जहलत की ये इंतहा है कि वो आप बयान नहीं कर सकते लेकिन दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज़ फ्रैंकली स्पीकिंग सो एट दैट पॉइंट इन टाइम क्या माशरे का दबाव बॉर्डर करता था आप दोनों को कि okay, औलाद नहीं है या कोई ऐसी बात जी जी How जी जी थ्रू देट वो और लोग बोलते थे अपने घर में कभी किसी ने मेरी अम्मा ने कभी मुझे कहा ही नहीं कि बेटे यू नो होता है ना बारह साल गुजर गए औलाद ही नहीं है तो ऐसी कभी हमारे घर में मेरी बहनों ने या मेरी माँ ने कभी ऐसी चीज़ कही हो आई हैव नो मेमोरी ऑफ दैट तो जब पहली न्यूज़ मिली होगी तो आप लोगों की तो खुशी का कोई और ही आलम होगा होगा। तो रियलिस्टिक भी लग रहा दैट वाज वेरी स्ट्रेंज एक्चुअली यू नो वी वर शूटिंग तो वहाँ पे हम एक डेजर्ट के कॉर्नर में शूट कर रहे थे। वी मेट मेजर एक्सीडेंट इन दैट सीरियल ऑन दाईवेज आई ऑलवेज ड्राइव माई सेल्फ एंड यू आर अ लॉन्ग रेंज जीप Uh, वो मुझे दी हुई थी मैं खुद ही उसको ड्राइव बिकॉज मुझे हाईवे mm -hmm. के ऊपर मुझे मैं किसी के साथ बैठ नहीं सकता हूँ सो so, हमारे यूनिट में एक एक्टर uh, थी जो मेरी बहन का रोल कर रही थी शी वॉज प्रेगनेंट विथ सेवन मंथ्स तो समीना उसको कहती थी कि तुम उस्मान के साथ बैठो आगे सीट पे ही बिकॉज ही ड्राइव्स वेरी केयरफुली एंड समीना वुड सेट इन द नेक्स्ट जीप यू नो उसमें और बहुत सारे एक्टर्स थे अब दैट पर्टिकुलर डे व्हेन वी वर कमिंग आउट ऑफ़ द डेजर्ट एंड वी केम द रोड मेन रोड तो उस हम चाय के लिए कहीं पर रुके थे तो जब चाय के बाद हम चलना शुरू हुए तो वो जो बच्ची थी वो दौड़ के उस जीप में बैठ गई जिसमें समीना को बैठना था hmm. और वो जीप आगे निकल गई और समीना मेरे पास आके बैठ गई hmm. अब हम जब उधर थोड़ा आगे निकले तो वो जीप तो उल्टी पड़ी थी और वो सारे बिल्कुल oh बिखरे पड़े थे सड़क के ऊपर और वो बेचारी लड़की Just seven months pregnant, thi. Anyways, basically Nobody died in that, but a lot of people were injured very badly. And exactly at that time, Samina was pregnant for the first time. Because we came back Lahore, and Samina said, "I need my uh, checkup." Doctor. And uh, when I went to pick up the Wizard. report, to wasn't there. Mm. काउंटर पे तो मैं गया तो उसने कहा वो डॉक्टर साहब के पास पड़ी है मैंने कहा अच्छा mm. मैं अंदर गया तो वो डॉक्टर साहब बैठे मुस्कराए उन्होंने तो कहा जी मुबारक हो आपको साहब ही सुमान साहबो यूज करते थे mm. आते थे जाते थे सो आई वॉज शॉकड यू नो आई डेंट नो हाउ टू रिट सो आई केम बैक एंड गेव द रिपोर्ट टू समीना एंड उसने रख दी वहाँ पर तो मैंने कहा देख लो सो शी लोट अपन पॉजिटिव देखा फिर हमने अपनी दोनों वालदाओं वाल, वाल hmm. वा, अमियों को बताया एंड दैट्स हाउ अनम केम लाइफ यस लेकिन देखिए <laughs> वो जब अनम अ अनमेरियन बेबी बिकॉज लेबर में बहुत टाइम लग रहा था तो डॉक्टर न्यू कि हमारे यहाँ औलाद इतने hmm. अरसे के बाद तो उसने मुझे कहा उस्मान साहब आप बताएं शुड बी डो अ सजेरियन कार्ड बिकॉज इट इस टेकिंग मैंने कहा ये द डॉक्टर तो अब वो अंदर ऑपरेशन शुरू हो गया हम मैं बाहर हूँ हमें पता लगा ठीक है जी वो हो गया तो वो दो नर्सें प्राइम में बेबी डाला हुआ अनम वो ला रही हैं यूँ यूँग मैं आगे बढ़ा तो अब मुझे नहीं पता ये लड़का है लड़की है क्योंकि डॉक्टर ने हमें नहीं बताया था नहीं। उसको पता था बट ये न वे टोड़ तो वो नर्स हैं झुकाए हुए बस जी जो अल्लाह की रजा होती है वही ठीक होता है देखो जी है देखो ये वो तो मैंने कहा ये क्या हुआ hmm. अल्लाह की रजा कहीं मसला तो नहीं हो गया वो बेटी पे कह रही थी कि बेटा नहीं हुआ सो बट दैट इज दीज आर थिंग्स दैट इन हमारी सोसाइटी में आया कि पहला बेटा ही होना चाहिए hmm. आई एम एक्चुअली हैप्पी कि आप ये शेयर कर रहे हैं बिकॉज़ आई थिंक जब आप लोग ये बात करते हैं आप ये बता रहे हैं कि आपके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि बेटा या बेटी है यू आर हैप्पी कि अल्लाह ने आपको एक सेहतमंद ओलाद दी है तो जो लोग सुन रहे हैं आई थिंक उनको उनको भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है कि वो भी अपना थाट प्रोसेस चेंज करें कि लड़का होना ज़रूरी नहीं है सेहतमंद ओलाद होना ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा yeah. um, एक जगह आपने कहा एक जगह नहीं काफ़ी जगह आपने कहा कि मेरी बिगेस्ट अकम्प्लिशमेंट आर माई डॉटर ऑफकोर्स माशा हर uh, माँ बाप के लिए औलाद जो होती है वो प्राउड फख्र का बास होती है और अपनी औलाद को देख के आप खुश होते हैं लेकिन अगर मैं पूछूँ कि एज ह्यूम जब आप उनको देखते हैं तो क्या दो तीन चीज़ें जो देख के आपको फख्र महसूस होता है कि यार एज अ वालद या एज अ पेरेंट मैंने इनको ये चीज़ें दे दी जो मुझे ये अब दे मेक मी प्राउड अबाउट दैट देखिए वो राइड जो है मैं समझता हूँ समीना की होनी चाहिए ओके बिकॉज समीना वॉज ए इंस्ट्रूमेंटल इन सेंडिंग दम टू स्टडी इन कैनिडा एंड शी सपोर्टेड मतलब परवेश तो आप दोनों ने की दोनों ने की लेकिन okay. उसकी yeah. ज़्यादा सपोर्ट थी फाइनेंशियली यू नो हम तो अपने आर्टिस्टिक कामों में लगे हुए थे हमारे पास yeah. जो भी था yeah. थोड़ा बहुत वो मैं करता था लेकिन मेजर कंट्रीब्यूटर वोज Samina yeah. and I think that investment in our children instead of buying Prados and Pajaro's and all that their kind goals. of thing uh, uh, We invested in our children mm. and education. I and invested in their education mm. that is